देश डिजिटल बनने जा रहा है, तमाम चीज़ें शुरू हो गई हैं, लेकिन यमुनानगर का ऐसा गांव आपको दिखाते हैं जहां पर मूलभूत सुविधा नहीं है। देखिए रिपोर्ट। हमारे देश की सरकार देश को डिजिटल बनाने की बात करती है, लेकिन हमारे ही देश में कई जगहों पर बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं भी नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यमुनानगर के फैजपुर गांव की। गांव की तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है, इस गांव में अधिकतर घर झोपड़ी नुमा है। गांव की सड़कों की हालत भी खराब है। इस गांव में पानी की भारी समस्या है। गांव में सरकारी नलका तो है, लेकिन नल में पानी नहीं है। गाँव के लोग पीने का पानी लाने के लिए ऊबड़ खाबड़ रास्तों से गुजरते हुए एक नहर से पानी लेकर आते हैं। गाँव के लोग गंदा पानी पीने को मजबूर। गांव के लोगों का कहना है कि इस बारे में उन्होंने कई बार सरपंच, अधिकारियों और नेताओं को गुहार लगाई है, लेकिन समस्या का समाधान आज तक नहीं हुआ। जो सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने भी बोल रहा, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं है। और हम दूर दराज से जो है ना, अपने गांव से 2-2.5 किलोमीटर यहां महिलाओं के साथ आते हैं, इनको पानी भरवा के ले जाते हैं। यहाँ जो है रास्ते में जो है ना, बहुत जानवर लगते हैं जी। रास्ता जंगल का है, सारा पथरीला रास्ता है। हमारे गांव में सफाई तक का कर्मचारी नहीं आता, अब देख लो कितना गया गुजरा दौर बन गया। गांव की एक महिला ने बताया कि गांव में पानी ना होने की वजह से उनको पानी लेने के लिए दूर जाना पड़ता है, रास्ते में जानवरों का भी खतरा है, इसलिए वो अकेले पानी लाने से घबराते हैं। पानी पी रहे मारे बच्चे भी, नहाने नु नहीं मिलता, स्कूल में जाने तक ही बैठे रहा यहां। बहुत दिक्कत हो रही है, रास्ते में जनावर खबर कितने पंछी आ, सांप भी आ, सारा कुछ है, कुछ ही खाए दो चाह। 10-15 जनिया इकट्ठी हो काम आज, इतना जंगल लग रहा जी बीच में, कुछ ही खाए दे चाह। बेकार पड़े, 1-1.5-2 किलोमीटर आना पड़ा उरा, और 5-4 जनियों ने 10 जनियों ने बटड़ी खाना पड़ा उरा, जैसे कि रास्ते में जानवर लगते हैं, तो जानवरों का भी नहीं फिक्र रहता है कि कल जनी आ भी नहीं सकती है। वहीं इस मामले पर जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी टीआर पंवार का कहना है कि फैजपुर गांव पहाड़ी इलाके का एक गांव है, वहां पर एक ट्यूबवेल चल रहा है, लेकिन आजकल गेहूं कट रही है, जिसकी वजह से दिन में लाइट बंद हो जाती है, इसलिए वहां पर पानी के प्रेशर की कमी आई है। और उनको जैसे ही इस बारे में पता चला कि गांव में पानी की दिक्कत है, तो पानी के टैंकर भेज रहे हैं। अधिकारी ने बताया कि हैंडपंप खराब होने की उनको कोई शिकायत नहीं मिली थी, जब पता चला तो उसे तुरंत ठीक करवा दिया गया। जैसे थोड़ा पहाड़ी एरिया है, पानी थोड़ा सा वहाँ पे जो डिस्चार्ज है वो कम निकलता, क्योंकि बोल्डर एरिया है, तो अपने उसके लिए थोड़ा सा लास्ट ईयर नया ट्यूब लगाया है। लास्ट ईयर मैंने इसको चलाया, उससे पहले वाला ट्यूब फेल हो गया था, नया ट्यूब लगा, नया चालू भी कर दिया है, लास्ट ईयर चला दिया था पानी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अगर कहीं पॉकेट में दिक्कत है तो टैंकर का अरेंजमेंट किया जाता है एज पर गवर्नमेंट। जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने गाँव में पानी की समस्या न होने का दावा किया, लेकिन हकीकत क्या है हम आपको दिखा चुके हैं। सरकार के नुमाइंदे विकास के कितने भी दावे कर लें, दावे महज दावे ही नजर आते हैं। यमुनानगर से हरिंदर सिंह की रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज़।